देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। जिस वक्त का इंतजार था वो अब लगभग आ चुका है, 2024 का जनरल इलेक्शन, लोकसभा चुनाव, बेहद अहम देश की राजनीति के लिए, देश के भविष्य के लिए, उससे जुड़ी बड़ी अपडेट निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली से आ रही है। जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसके अनुसार 15 मार्च तक देश में चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है कि इस बार मतदान 7 से 8 चरण में होगा, मतलब 7 से 8 फेज में इस देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। यह बेहद बड़ी खबर निकलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग से आ रही है। जी हां, आपको बताएं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके तारीखों का ऐलान 10 मार्च 2019 को किया गया था और 7 चरणों में वोटिंग हुआ था, मतदान जो है वो 7 चरणों में किया गया था। और इसके साथ ही साथ 2024 का जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है सीधे दिल्ली से, वो आपको हम बता रहे हैं कि 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन जो है वो बजाबते प्रेस ब्रीफिंग करके, प्रेस वार्ता करके तारीखों के साथ पूरा जो विवरण है इस देश में जो लोकसभा चुनाव होना है उसका पूरा विवरण, पूरा डिटेल जो है वो आम जनता से साझा कर देगा। देखिए करीब महीने भर की तैयारी का समय लगता है लोकसभा चुनाव कराने में और 15 अप्रैल से जब से वोटिंग शुरू होना है उसके एक महीने पहले, अब मान कर चलिए कि 10 से 15 अप्रैल के बीच पहला फेज वोटिंग का होगा और उसके एक महीने पहले निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पूरी अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी। जिला स्तर पर जो कलेक्टर होते हैं, जो तमाम पदाधिकारी होते हैं, उनको तैयारी करने में भी समय लगता है। ईवीएम ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बूथ तक के तैयारी को लेकर पूरा प्रशासन जो है वो व्यस्त हो जाता है। इसके लिए कम से कम 30 दिन का समय जो इलेक्शन कमीशन है वो देता है और इसी कड़ी में 10 से 15 मार्च के बीच, मतलब 15 मार्च के पहले आप मानकर चलिए जो जनरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता होता है, वो लागू कर दिया जाएगा। तो ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग जो है वो अब इस बात को लेकर जल्दबाजी में है, मतलब वहां पर काम जो है वो अब अंतिम स्वरूप ले रहा है और अगले 15 से 20 दिनों के अंदर ये बात सामने आ जाएगी कि किस किस तारीख को वोटिंग होना है और किस किस चरण में कहां कहां पर वोटिंग होना है। बीजेपी लगातार मुखर है अपने मुद्दों को लेकर, चाहे वो राम मंदिर हो, धारा 370 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, कई ऐसे मसले हैं जिसे लेकर बीजेपी ये जरूर चाहती है कि चुनाव इस देश में जल्द करा लिया जाए, मतलब समय पर करा लिया जाए, विलंब ना हो, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं जितना विलंब होगा उतना ही जनता की नजर से धूमिल होते जाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को भी अब ये अहम फैसला लेना है सीट बंटवारे को लेकर, अधिक समय बचा नहीं है, अगले 2 से 3 सप्ताह के अंदर पूरा जो दृश्य है पार्टियों की रणनीति से लेकर, सीट शेयरिंग से लेकर, महासभाओं से लेकर, तमाम तरह की जो रणनीति होती है पार्टी की वो क्लियर हो जाएगा। तो एक तरफ एनडीए में जो बिहार में एक रण छिड़ा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे बीजेपी हो, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, या पशुपति कुमार पारस ही क्यों ना हो, इनके बीच सीट साझेदारी को लेकर अब अगले 15 से 20 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। बीजेपी को यह फैसला लेना है कि किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, कितनी सीट किस पार्टी को दी जाएगी, कौन सा प्रत्याशी लोकसभा में उम्मीदवार बनेगा। लेकिन इन सबके बीच इलेक्शन कमीशन ने तमाम राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें जरूर तेज कर दी है, क्योंकि अगले 20 दिनों में तारीखों का ऐलान हो जाएगा और 7 से 8 फेज में, 7 से 8 चरण में मतदान करा लिया जाएगा और मई के अंत तक या लास्ट वीक ऑफ मई जो होगा उस समय तक इस देश में चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे और यह तय हो जाएगा कि इस देश का अगला वजीर, अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।